हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारी स्नैप गेजेस होती हैं कि उसका यूज़ हम कैसे करते हैं और ये हमारी किस किस तरह के मेज़रमेंट करने के काम आती है। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की, और तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना ताकि आज आपको पूरी वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, मैं पंकज और आप देख रहे हैं CNC मैकेनिकल सॉल्यूशन। तो दोस्तों, जो व्यूअर्स अभी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो बराबर मिलती रहे। दोस्तों, ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारी, देखिए एक एडजस्टेबल हमारी स्नैप गेज है। इस पे हमारा, देखिए एक साइड हमारा गो और एक साइड हमारा नो गो लिखा है, ठीक है ना। ये हमारी जो पूरी स्नैप गेज है, ये हमारी जो कास्ट आयरन है उसकी हमारी पूरी स्नैप गेज बनी होती है। इस पे ये हमारी, यहाँ पे दो एनविल्स होती हैं, जो एक एनविल है हमारी उसको हम एक पे गो पे सेट करते हैं और एक पे वो हम नो गो पे सेट करते हैं। अभी मैं आपको उसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये जो हमारी एनविल्स होती हैं दोस्तों, ये हमारी हार्डनेट हमारे स्टील की बनी होती है। इसको बड़ा हार्ड करके बनाया जाता है ताकि ये घिसे ना हमारी। दोस्तों उसके बाद देखते हैं ये हमारी, ये वाली जो हमारी स्नैप गेज है, ये हमारी सिंगल एंडेड स्नैप गेज है। देख सकते हो आप इसे, ये हमारी सिंगल एंडेड स्नैप गेज है। दोस्तों ये जो हमारी स्नैप गेज है, ये डबल एंडेड स्नैप गेज है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये हमारी सिंगल साइड से किसी भी चीज़ को मेज़र करेगी और ये हमारी डबल एंडेड यानी दो साइड से हमारी किसी भी चीज़ को मेज़र कर सकती है। दोस्तों ये स्नैप गेज खुद की बनाई हुई है, ये हमारी कोई स्टैंडर्ड स्नैप गेज नहीं है। तो अब बात आती है दोस्तों कि इसके द्वारा हम क्या क्या चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसके द्वारा हम किसी भी पीस की मोटाई, लंबाई, ठीक है, और चौड़ाई को चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से इस जो हमारी एडजस्टेबल स्नैप गेज होती है इसको मैं दिखाऊंगा कि कैसे इसके प्रैक्टिकल के माध्यम से हम इसको चला सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको अभी जो हमारी जो स्नैप गेज है ये, मैं इसमें आपको जो 22 mm का हमारा जो ये हमने स्लिप गेज का पीस ले रखा है, मैं उसको सेट करके दिखाऊंगा अभी आपको। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पीस को यहाँ पे ऐसे करके सेट करना है और जो स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इस पीस को, जो हमारा स्क्रू है उसको हल्के हल्के टाइट करना है पीछे से। देखिए जैसे आप इसको पीछे टाइट करेंगे तो जो हमारी इसकी एनविल्स हैं वो धीरे धीरे करके ऊपर जाती जाएंगी। ये देखिए अब हमारा पीस पूरा टाइट हो चुका है। देखिए इसमें अगर मैं किसी को बोलूं भी आपने इसको 20 mm का चेक करना है तो हमारा 20 mm का पीस इसमें आसानी से जा रहा है। पर जो हमारी आगे नो गो जो गे वाली गेज है हमारी, ये नो गो वाली गेज, इसको मैंने क्या कर रखा है, ये हमारा देखिए मैंने 1 mm इसको ऊपर रख रखा है ताकि हमारा ये पीस इससे आगे ना जा पाए। तो इस तरह आप जो हमारा पीछे इसके, ये देखिए यहाँ पे दो स्क्रू दिए हुए हैं यहाँ पे, इसको अगर आप टाइट करोगे तो हमारी एनविल्स ऊपर चली जाएंगी, अगर इसको लूज करोगे तो ये हमारी एनविल्स पीछे आ जाएंगे। तो आपने इस तरह से जो सबसे पहले हमारी एनविल होती है वो हमारी गो की होती है, जो हमारी दूसरी एनविल होती है ये हमारी नो गो की होती है। तो इस तरह से आप स्नैप गेज को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। दोस्तों ये जितनी भी सारी गेजेस थी ये इसी तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको जो हमारी स्नैप गेज होती है उसके बारे में पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले मेरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आती है। और हाँ, मेरे चैनल पर CNC प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड और लेथ मशीन से रिलेटेड वीडियोज़ सारी अपलोडेड है, आप वहाँ पर जाकर, मेरे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।